दोस्तों आप लोगों की तीन कन्फ्यूजन हैं। जैसे पहला कन्फ्यूजन आपका ये हो जाता है कि सर जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको फर्स्ट टाइम मिला, इन दोनों के बीच में इनकी वैल्यू को लेके आप समझना चाहते हैं। दूसरी बात जो है कि आप मान लो आपको पास हुए 8 साल हो चुके, किसी को 10 साल हो चुके हैं, तो क्या आपको दोबारा डॉक्यूमेंट मिल सकता है। और तीसरी बात आ जाती है कि पहले जो डॉक्यूमेंट मिलता था और अब आज की डेट में आपको कितने डॉक्यूमेंट मिलेंगे, सब कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं साथ आ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं सब कुछ मैं समझाऊंगा। पिछले 4 सालों से आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं और आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस मेंबरशिप चैनल। आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए और क्या प्रॉब्लम मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना है, समझना है पहली बात कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल के बीच में। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स जो कि है, आप देखिए यहाँ पे एक है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक। अब इसके आगे जो इन्होंने दूसरा जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, दूसरी प्रति एक जगह के लिखा हुआ है डुप्लीकेट। सबसे पहले मैं आपको डुप्लीकेट के बारे में समझाता हूं, तो जरा यहां पे आप गौर करेंगे। अभी ये जो हमारे मेंबर हैं इनका नाम रितु है, इन्होंने अप्लाई किया था यानी मेंबरशिप में जुड़े थे, मैंने इनको सारी जानकारी दिया था, तो इनके पास मार्कशीट और माइग्रेशन दोनों डॉक्यूमेंट इनको मिला है। आप गौर करेंगे एक डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट, वही दूसरे डॉक्यूमेंट पे हिंदी में लिखा हुआ है दूसरी प्रति। यानी डुप्लीकेट को अगर हिंदी में हम बोले तो उसको बोला जाता है दूसरी प्रति, तो दूसरी प्रति लिखी हुई है, इससे तो कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन जो डुप्लीकेट वर्ड है इससे लेके आप लोगों की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डुप्लीकेट का मतलब आप समझ लेते हैं कि नकली तो नहीं है, नकली नहीं होता है, डुप्लीकेट का मतलब ही होता है सेकंड कॉपी। एनएस को चाहिए कि डुप्लीकेट वर्ड की जगह सेकंड कॉपी यूज करे, जिस तरीके से इन्होंने हिंदी में लिखा तो हिंदी में क्या लिखा है दूसरी प्रति। तो इस तरीके से क्या है कि आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब बात आ जाती है डुप्लीकेट और ओरिजिनल। तो देखिए जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या लिखा होता है डुप्लीकेट की जगह दूसरी प्रति। तो दूसरी प्रति का मतलब क्या हुआ कि जो आपने पहली कॉपी आप ले चुके हैं, जो आपको ओरिजिनल मिला था, वो आपका खो गया, फट गया, आप फिर से उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर से लेना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट कॉपी तो आपको पहले मिल चुकी है, अब क्या मिलेगा, अब आपको उसकी सेकंड कॉपी मिलेगी। तो इसकी भी वही वैल्यू है जो आपको फर्स्ट टाइम मिला था, जो ओरिजिनल की मिली थी। ये बातें यहाँ पर पूरी हो जाती हैं, अब आप समझ गए ठीक आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं। मार्कशीट, माइग्रेशन, पासिंग सर्टिफिकेट, इसके ऊपर भी आगे समझाने जा रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं ठीक। इससे आगे बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको पास हुए 5 साल हो चुका है, 6 साल, 8 साल, 10 साल हो गए मान लीजिए, अब मतलब पहले आप पास हो चुके हैं, अब आप चाहते हैं दोबारा अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैं तो 2016 से पहले का मेरा एडमिशन है, उस टाइम तो ऑफलाइन एडमिशन होता था, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऑफलाइन एडमिशन था ठीक है, तो वो एडमिशन का जो डिटेल है, आपका जो मार्कशीट है उसकी डिटेल सब कुछ इनके पास है, आपको आप अप्लाई करेंगे आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया, बस ज़रूरत इतना है आपको मुझसे कनेक्ट होना है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं, इसके आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के कि आपको कितने डॉक्यूमेंट मिलेंगे। देखो सबसे पहले आपको कितने डॉक्यूमेंट मिलते थे, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो मिलता था 2021 से पहले की बात करूँ, आपको 4 डॉक्यूमेंट मिलते थे। पहला मिलता था मार्कशीट स्टेटमेंट मिलता था, दूसरा मिलता था माइग्रेशन स्टेटमेंट, तीसरा मिलता था आपको प्रोविजनल, और 6 महीने के बाद स्टडी सेंटर पे आपको फाइनल क्या मिलता था, पासिंग सर्टिफिकेट। तो पहले 4 डॉक्यूमेंट मिलते थे, समझ में आया। अच्छा तो जो पहले आपको प्रोविजनल मिलता था उसकी वैल्यू होती थी 6 महीने के लिए, यानी कि जो आपको 6 महीने के बाद जो आपको स्टडी सेंटर पर क्या मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। जब तक पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिला नहीं है तब तक प्रोविजनल जो होता था वो उसकी जगह काम करता था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2021 के बाद से रूल बदल गए हैं, अब चाहे जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने नया एडमिशन लिया है या जो पहले पास हो चुके हैं आप जैसे आप लोग हैं,
तो आपको भी अब वही डॉक्यूमेंट मिलेगा जो नए वालों को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अब आपको केवल दो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये ओल्ड एडमिशन है, 2015 के हैं, इनका नाम रितु है, इन्होंने 2015 में जो है अपना पास हुए थे। अब इनको डॉक्यूमेंट मिला तो कितना मिला, अभी आप स्क्रीन पे दोबारा देख रहे हैं, इनको दो डॉक्यूमेंट मिला है। एक डॉक्यूमेंट जो पासिंग सर्टिफिकेट और मार्क स्टेटमेंट दोनों को मिला के एक बन गया, उसका नाम क्या है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। ठीक, दूसरा डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गया कि अब आपको दो मिलेगा डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझना है कि आपको जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो इसमें हमारी एक छोटी सी फीस होती है जो आपको पे करना होता है। अगर आप खुद जाना चाहते हैं डायरेक्ट ही, आप जाइए हेडक्वार्टर जा सकते हैं आप अपना अप्लाई करने के लिए, तो अगर आपके पास टाइम है तो। होता क्या है, आप जाएंगे, आपकी टाइम की जो है टाइम नहीं मिल पाता, मुश्किल होता है, दूरी बहुत होती है, किराया लग जाता है, मेहनत लग जाती है। अब कुछ ना कुछ तो आप काम कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के जाओगे तो उस मुहाबी लॉस है। बाकी आने जाने का खर्चा वो अलग लगना, मेहनत अलग लगना है, और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए आप कितने बार चक्कर लगाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए पिछले 4 सालों से आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आप लोगों का जितना भरोसा मुझ पे है, और मैं आपके काम आ पा रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपके लिए इंडिया का फर्स्ट एनएस मेंबरशिप चैनल लगातार 4 सालों से चला रहा हूँ। तो आप कनेक्ट हो जाइए, अपनी जानकारी लीजिए घर बैठे, और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फॉर्म होते हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी कन्फ्यूजन आपकी आज की वीडियो में क्लियर हो गई है। वैसे आपको क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मुझे कमेंट कर लीजिए, मेम्बरशिप को ज्वाइन कीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा।